गाड़ी निकालते स्कूटी निकालते हुए फिर फोर व्हीलर निकालते हुए निकाल करके बाहर जाते हैं और फिर उतनी वॉक नहीं कर सकते उतनी देर और हम गाड़ी निकाल करके छोटे छोटे सामान लेने के लिए। तो अभी हमने फिलहाल हमने किया है ये चीजें, साइकिल ली है और साइकिल चला रहे हैं हम। जब भी कुछ भी छोटा मोटा काम रहता आस पास भी कहीं जाना भी होता तो हम साइकिल से ही जा रहे हैं। अब ये तो हमारा सरकार कर रहा, हमारी सरकार कर रही है, कंपनियां इसमें कर रही है अपना अपना योगदान दे रही है। बच्चों अब आपकी बारी है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करेंगे? अब स्कूल जाते होंगे निश्चित तौर पर सभी, और गाड़ी से कुछ लोग जाते होंगे, सारे बच्चे एक साथ जाते होंगे। आज के बाद इस हॉल में सिर्फ इतना प्रॉमिस करके खुद से जाइए कि जब ड्राइवर अंकल गाड़ी चला रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी ना बंद करें तो आप जरूर बोलिए कि ड्राइवर अंकल रेड लाइट पे गाड़ी बंद करके, तेल कंज्यूम हो रहा जैसा कि सर ने बताया है, तो आप लोग करेंगे? ड्राइवर अंकल को जरूर बोलेंगे ना कि ड्राइवर अंकल यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक है तो बंद कर दीजिए उसे देर। तो इतना तो आप लोग करेंगे, आपका इतना योगदान अभी बहुत है, ठीक है? अभी तो है, सर ने जैसा बताया कि अपने जब भी कहीं पर भी कभी भी आप, मेरा नेक्स्ट प्लानिंग ही है, मैं 7 कॉन्टिनेंट्स कर चुकी हूँ, मेरा नेक्स्ट प्लानिंग है साइकिलिंग करने का ऑल ओवर इंडिया। एक मैसेज देने का सिर्फ यही कि आप अगर साइकिल चलाते हैं या फिर वॉक करते हैं, हम कितना सब फिटनेस, हमारी बॉडी कितनी अच्छी रहती है, हम इतना जो इतना सुंदर कहते वातावरण देख पाते, ग्रीनरी देख पाते हैं बाहर जब निकलते हैं। दूसरी चीज अगर कहीं थोड़ा और लंबा चलते हैं तो हम एक अच्छा, आपका बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, एक अच्छा आप अपने आप को अपनी बॉडी को जो आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो ये सब चीजें करते हो शायद करने की जरूरत है। इसको एक मैसेज देने के लिए मैं खुद ऑल ओवर इंडिया एक साइकिलिंग का प्लानिंग है कि एक विमेन ग्रुप में निकालूं कि जिससे आप लोगों तक, जैसे आज पूरी पूरे भारत के कोने कोने में ये चीजें पहुंच पाए, हमारा मेरा भी प्लानिंग है। और बाकी बहुत सारे ऐसे आप लोग ऐसे होंगे कि सुबह जब उठते होंगे निश्चित तौर पे आपके भी दिमाग में, सुबह कितने बजे से आप लोग आए हैं यहाँ पे? 1:30 से आए। नींद कितने कितने लोगों, सबको आ रही है नींद? ऑफकोर्स नींद आ रही होगी, थोड़ी थक जाते हैं हम। मैं आपको सिर्फ इतना कि सुबह जब आप उठते हैं तो निश्चित तौर पे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती है, फिर स्कूल में या फिर आज आप यहां सुन के जब जाओगे कुछ चीजें, तो शायद जब घर जाओ आप सोते समय भी आप सोचोगे कल तो मैं बस मैं उठ के मैं ये काम, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ भी आप गोल सेट करते हो शाम को, लेकिन सुबह जब उठते हो बड़े जोश में भी रहते हो, सुबह जब उठते हो जोश में रहते हो, लेकिन जब स्कूल जाते हो और फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं फिर शाम तक वो भूल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना, या फिर हो सकता है एक दो दिन तक रह जाता है कि नहीं मुझे ये करना है ये करना है, लेकिन 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं, क्योंकि आप दिल से नई चीजें कर रहे हो। कोई भी गोल जब आप अपने दिल से करते हो पूरी तरीके से, आप उसके पीछे कहते हैं ना पीछे पड़ जाना, मैंने सिर्फ इतना ही किया था, कुछ अलग से कभी किया ही नहीं। मैंने अपनी लॉ की डिग्री, मैंने लॉ के पीजी या लॉ किया है, अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की है और साथ साथ में मेरा ये माउंटेनिंग का चल रहा था। शायद आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, शायद इतनी हिंदी बताने बच्चों के समझ में आ रहा रहे, अगर परिस्थितियां ऐसी कितनी भी कह सकते ना कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, लेकिन अगर आप खड़े हो कि नहीं मुझे करना ही है, थोड़ी देर परेशान होंगे आप फिर आपको आदत हो जाती है इस चीज से, मुझे आदत हो गई इस सब चीजों की, क्या मुझे दर्द नहीं होता, मुझे भी दर्द होता है। आपको बताऊं बच्चों कि जब एम्स में थी इसी हॉस्पिटल के बेड में, जब मैंने माउंटेनिंग के बारे में सोचा, निश्चित तौर पर जब आप लीक से हटकर कोई गोल बनाते हैं तो आसपास के लोग कहेंगे क्या पागलपन है ये, आप शायद आप अगर कुछ अलग ऐसा समथिंग डिफरेंट कुछ अलग लेकर के आप सोच के जाओगे तो एक बार तो आपका परिवार आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि वो एकदम अलग होता, किसी ने कभी देखा ही नहीं होता है। मैंने जब अपना माउंटेनिंग का प्लानिंग अपने घर वालों को बताया तो सब परेशान कि भाई पैर नहीं है, अच्छी जॉब, उस जॉब कर लो, सीएसएफ ने मुझे जॉब ऑफर की थी जॉब कर लो, ये क्यों? लेकिन मैं एकदम तटस्थ कि मुझे करना ही है,
हॉस्पिटल के बेड में ये बताया मैंने तो लोग मुझे पागल बोल रहे थे। यकीन मानिए मुझे लोग पागल बोल रहे थे कि अरुणिमा पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे थे कि इसका पैर चला गया है और दिमाग भी साथ साथ चला गया है। मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आ रहा था। हॉस्पिटल में मैं क्या कर सकती हूँ, हॉस्पिटल बेड में हूँ, एक पैर है ही नहीं, दूसरे पैर में रॉड है, मूव नहीं कर रहा है, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में है, मैं उठ नहीं सकती हूँ। और एक लड़की मॉर्टेली की लड़की, मैटर नहीं करता कि लड़की है या फिर लड़का, मेल है फीमेल, मैटर नहीं, मैटर ये करता है कि वो एक इंसान है। और वो मॉर्टेली के एक लीक से हटकर गोल बना करके वो उस पर करने की बात कर रहा है। लोगों यकीन नहीं, तो मुझे मेंटल मानसिक डॉक्टर तक देखने के लिए आ गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे कभी परवाह नहीं इस चीज की। हॉस्पिटल से निकलते ही कि मुझे डिस्चार्ज करो निकली, मैं अपने गोल पे मैंने काम शुरू कर दिया। उस समय जब लोग मुझे पागल और संगी बोलते तो मुझे गुस्सा आता था, इरिटेशन आता था, लेकिन आज की डेट में मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे पागल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया। जिस दिन आपके गोल के प्रति आपको उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया, आप खुद भी बहुत खुश हो जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका गोल आपके बहुत करीब है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है। आप इस हॉल से ये जरूर कुछ ना कुछ आगे लेकर के जाइएगा, जितने लोग भी हैं। किसी और से प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, किसी और से नहीं, सिर्फ खुद से प्रॉमिस करिए कि मुझे आज, कुछ बच्चों का शायद सर बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे नहीं होंगे यहाँ पे, आजकल बोर्ड परीक्षा चल रही है और वो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो एक बस अपने आप से प्रॉमिस, क्योंकि आप अपना 100% दीजिए किसी भी चीज में, सिर्फ 100% दीजिए, अच्छा तो सब कुछ हो जाता है अपने आप। एवरेस्ट किया था मैंने, यकीन मानिए मैंने सिर्फ अपने लिए किया था। ऐसे बोलना शायद अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं सच बोलती हूँ कि एवरेस्ट जो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था, मैंने उसके लिए एवरेस्ट क्लाइम किया। लेकिन जब देश वापस आई, यूथ बहुत तेजी से जुड़ रहा था, बहुत तेजी से जुड़ रहा था, तब मैंने तय किया कि ये चैन रुकने नहीं देना है। एशिया एवरेस्ट के लिए जो अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के जासको, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका माउंट गगगो, कास्ट एंड पिनामिड, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, माउंट विंसन, अंटार्कटिका, ये मैंने 6-7 कॉन्टिनेंट, 7 हाइलैंड के मैंने नाम लिए हैं जो मैं सबमिट कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये जो चैन है, लोग इंस्पायर होते हैं, रुकने नहीं देना है। आप एक बार खुद से, जब ऐसा नहीं था कि मुझे दर्द नहीं होता, आप देखेंगे मेरा पूरा पैर निकल जाता है, आप देखेंगे मेरा पैर पूरा निकल जाता है। आज भी मैं चलती हूँ, वही साइकिलिंग की बात हो रही थी अभी, साइकिलिंग अभी कुछ दिन पहले मैंने साइकिलिंग शुरू किया है, तो चला रही थी तो मैं नीचे गिर गई, मेरा स्टफ पूरा कट गया ऐसे। ऐसा तो है फिर भी, ऐसा तो है नहीं कि मुझे लेटे रहना है, काम तो फिर भी करना है, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, तो शायद मैं खुद, जो जिससे मैं खुद इंस्पायर होती हूँ, मैं खुद शायद टूट जाऊंगी। अगर कुछ कुछ ऐसे लोग इस दुनिया में होते हैं जिनके ऊपर जितनी परेशानियां आती है वो उतना अच्छा काम करते हैं। सर मेरे साथ भी वही है, जितनी प्रॉब्लम्स आती है उतना अच्छा, मैं अगर मैं लेट जाऊं तो शायद मैं उतने अच्छे से, मैं उस आराम को नहीं बचा सकती, कि मैं उस आराम को बचा लूं शायद मैं नहीं बचा पाऊंगी। इसलिए मुझे आज भी मैं पैर पहन के आई, इवन मेरे घर में जब हमारी माता जी हैं, जब मेरा पैर में दिन भर पूरा घूम रही थी, मतलब काम कर रही थी, जब शाम को मैंने पैर खोला तो पूरा पैर कट गया था, कटा हुआ, उसमें ब्लड, जो एक सिलिकॉन होता उसमें ब्लड था, तो बड़ा सरप्राइज थे कि कैसे मैनेज कर लेते, क्योंकि मेरा पूरा फोकस अपने काम पर होता है। तो आप भी बस अपने काम को फोकस करिए, कुछ भी आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपको जो बताते हैं, आप उस पर फोकस करो, अपने आप, अपने आप, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, पर अपने आप होता चला जाता है। बाकी नो डाउट, रोज सुबह टीचर्स लोग हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, मैं भी ज्यादा बोर नहीं करूंगी, मैं कुछ, अगर आप शायद आपको अच्छा लगे, मैं कुछ पल एड्रेस के अगर कहें तो मैं शेयर करूं, मेरे पास टाइम है। 2013 को मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था। जस्ट आप पढ़ेंगे एवरेस्ट में चार कैंप लगते हैं, कैंप 3 तक जिसको जाना हो तो जाता, नहीं तो कैंप 3 से वो बोलता कि नहीं मुझे वापस जाना है। मैं कैंप 3 पहुंची हूँ, वहां से ऑक्सीजन लगना शुरू हो जाता है, मैंने ऑक्सीजन लगाया है और आगे बढ़ इंडिया से 6 लोग हैं, रॉकी एरिया तक मैं सबसे बेस्ट और सबसे आगे चली। लेकिन जैसे ब्लू और ग्रीन आई शुरू हुआ है,
ऐसे स्लोप है, मैं पैर रखती मेरे पैर स्लिप हो जाता था क्योंकि आर्टिफिशियल पैर मेरा ग्रिप बना ही नहीं पाता था। मैं पैर रखती मेरे पैर स्लिप हो जाता, मेरे शेरपा गाइड जो नेपाल में शेरपा बोलते हैं गाइड था, तो बोला कि अरुणिमा तू नहीं जा सकती है, तेरे पैर काम ही नहीं कर रहा है। सब के सब आगे निकल गए, मेरे ग्रुप मेंबर्स लोग, वहाँ के टीचर जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर थे सब आगे निकल गए। मेरे दिमाग में यही जो मैं इतनी देर से आपको समझा रही थी सिर्फ वही मेरे दिमाग में था कि मैं अपना 100% दूंगी। मैंने पैर को फिर से सही करके और फिर भाग चलना शुरू किया है। थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी का हर पार्ट लगा करके, जैसे बचपन में हम खेले थे, हर पार्ट लगा करके मैंने उसको क्रॉस किया है और उनके कदम छुए। लेकिन जब आइस बॉल शुरू हुआ है, ऐसे आइस बॉल है उस पर क्लाइंबिंग करनी है। ट्रेनिंग तो मैंने करीब 22,000 फीट तक की थी, लेकिन एवरेस्ट के टक्कर का बर्फ नहीं मिलता है। जब मैंने उस पर चलना शुरू कर क्लाइंबिंग करना शुरू की है, ये ऐसे टो पे यानी कि हमारे शूज में से टो पे नोके ऐसे नुकीले क्रैम्पोन होता है, क्रैम्पोन पे ऐसे नुकीले लगे होते हैं, जब मैं हिट करती थी इतना पार्ट बर्फ में जाता और उसी पे बॉडी का वेट लेके हम खड़े हो जाते हैं। टो हिट करते हैं वॉल पे, आइस वॉल पे। मैं हिट करती थी राइट लेग से हिट कर तो पूरा स्वेल हो जाता था क्योंकि रॉड है उस पे। लेफ्ट से हिट करूं, लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल है, पूरा आर्टिफिशियल हिट करूं। कभी कभी परिस्थिति ये होती थी कि टो मेरा हील पे आ जाता, हील मेरा टो पे आ जाता। क्यों नहीं अमेजिंग? एक इंसान का शरीर का पूरा वो क्लाइंबिंग कर रहा है, उसका शरीर पूरा का पूरा पैर घूम चुका है, उसका टो पूरा घूम चुका है और सामने वाले देख करके मुझे ना वो हंसते ना ही वो एकदम कहते ना सरप्राइज होके देखे ये क्या है। शेरपा मुझे कहता है अरुणिमा तेरा पैर ही नहीं काम कर रहा, तू चलेगी क्या? वहां पर भी मैंने ऐसे रोप में एंकर रहे, मैं पैर को खोला और खोल के सेट किया, सीधा किया उसको, अब फिर लगाया, फिर हिट किया। एक ही जगह पे मुझे 5-5 बार हिट करना, जनरली लोग एक बार में हिट करते हैं, मुझे 5-5 बार हिट करना पड़ता था तब मैं उसको क्लेम कर पाती थी। ऐसे करके मैं पूरा कैंपोर तक पहुंची हूँ। कैंपोर पहुंची मेरा टेंट था, अगल बगल सारे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए थे। जस्ट टेंट से बाहर निकल करके बॉडी एक्लिमेटाइज के लिए ज्यादा से ज्यादा टेंट के बाहर रहना पड़ता। जब मैं टेंट से बाहर थी, बगल वाले टेंट से 4-5 शेरपा किसी को खींचकर बाहर निकाल रहे थे टेंट के अंदर से। बड़ी उत्सुकता के साथ बड़ा देख रही थी कि हो क्या रहा है। जब निकल के बाहर आ गए सब पे सब, तो एक कैनेडियन लड़की जिस पोजीशन में टेंट में सोई थी उसी पोजीशन में वो टेंट के अंदर मर चुकी थी, उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी टेंट के अंदर, वो मर चुकी थी। फिर सामने वो डेड बॉडी थी। इतना ही नहीं, जस्ट दूसरा कोई सबमिट करके आया था और आते ही टेंट के अंदर सो गया, उसके फेफड़े में पानी गया, वो भी मर चुका था। मेरी आंखों के सामने 2 डेड बॉडी जैसे पड़ी थी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, मुझे डर नहीं लगा, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये नॉर्मल था, अगर इनके साथ ये हो तो मेरे साथ क्या होगा, मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी। कैंप फोर है, ये मेन समिट है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3,500 फीट की। मैं और मेरा शेरपा नेक्स्ट डे सुबह शाम को, हमेशा जो बड़े माउंटेन्स होते हैं रात में सबमिट करते हो क्योंकि वेदर शांत होता है, विंड कम होती है, स्नोफॉल कम होता है, इसलिए रात को क्लाइंब करते हैं हेड टॉर्च के साथ में, हेडलाइट के साथ में। मैं और मेरा शेरपा जब कैंप फोर से आगे बढ़े हैं, थोड़ी दूर चले थे, मतलब मेरी हेडलाइट जिधर ही जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही थी। अंधेरा हो चुका था और इतना पार्ट बर्फ में, इतना पार्ट किसी का ऐसे ऊपर दिख रहा है, इतना नीचे है। और इतना ही नहीं, मैं और आगे चली, जिस रोप में मैं थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी मुंह से आवाज आ रही थी, उसका हाथ हिल रहा था, रोप में ऐसे उलट चुका था, सिर नीचे हो गया था, उनका ऑक्सीजन खत्म, मुंह से आवाज आई, फेस ब्लू हो चुका था, हुड था उनका और हुड में स्नो भर रहा था, छोटे छोटे पार्ट्स उनको गिर रहे थे और ऐसे भर रहा था। अगर आप ये सोचे कि मुझे डर नहीं लगा तो ऐसा नहीं, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं अपना जो गोल था उसके प्रति एकदम कॉन्फिडेंस थी कि मैं करूंगी। वो सामने मेरे बांग्लादेशी थे, वो सब पे सब ऐसे लाइन लग जाती है पूरी जब सामने कोई रेड बॉडीज मिलती है। अगर वो मर चुका होता तो क्रैवासेस में डालते हैं, अन्यथा अगर जिंदा तो कुछ करने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने था, जब तक मैं उसके पास पहुंची उसकी बॉडी मूवमेंट खत्म। शेरपा ने फिर जब मुझे देखा बोला अरुणिमा वापस, मैंने कैराबिनर एक स्क्रू कैराबिनर होता है मैंने खोला, खोल के डेड बॉडी के आगे लगा दिया।
लांगते हुए उस डेड बॉडी को सिर्फ इतना बोला, इन सब में से वहां पर जितने लोग मरे हुए थे उन सब में से अगर सभी ने एवरेज सबमिट कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेज सबमिट करूंगा जिंदा वापस जाऊंगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं मैं बॉडी उसी तरीके से काम करना शुरू कर दी है। मैंने उसकी डेड बॉडी को लांग कर मैं आगे बढ़ गई हूँ। अब इतना डर था शरीर मुझे, इतना मैं इतना डर गई थी उस समय कि जब बढ़ रही थी तो मेरा पैर स्लिप हो गया, पैर स्लिप हुआ डेड बॉडी पे आके रुक गया। आप समझ सकते हैं क्या परिस्थिति रही होगी। खैर मैं फिर आगे बढ़ी हूँ। हिलेरी स्टेप सबने शायद पढ़ा भी होगा हिलेरी स्टेप के बारे में, हिलेरी सर में हिलेरी सर के बारे में जानते हैं तो उन्हीं के नाम से बस जगह का नाम पड़ गया हिलेरी स्टेप। मैं जब वहां थी मेरा ऑक्सीजन खत्म, शेरपा मुझे पीछे से बोल रहा था अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना अभी वापस चल। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट दिखना शुरू हो जाता, अगर धूप अच्छी है तो मेन समिट दिखता है, क्लाउडी है तो नहीं दिखता। हम अपने गोल के इतने करीब और कोई हमसे ये बोले कि वापस चलो कैसा लगता है, यही लगता था सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा यही जो नहीं चाहता मैं एवरेस्ट सबमिट करूं। मैंने शेरपा को बोला क्यों नहीं जाऊं मैं जाना भी सबमिट दिख रहा मुझे दूसरी कंट्री को, तिब्बत से यानी कि चाइना साइड से लोग अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे सबमिट के, उधर से भी नॉर्थ साइड से आए थे, मैं साउथ साइड से थी। मैंने कहा सब अपना अपना फ्लैग लगा रहे, आप मुझे बोल रहे वापस जाओ। मैं जब जर्नी के लिए निकल रही थी तो मैम मेरी माँ ने और बछिंद्री मैम ने, बछिंद्री मैम को सब जानते होंगे, नहीं जानते जानते हैं ना, बछिंद्री मैम ने मुझे बोला था कि बछिंद्री मैम ने मुझे बोला अरुणिमा और मेरी माँ ने कि तुम्हें इस जर्नी में जब तुम्हें लगे कि शायद तुमसे एवरेस्ट समिट नहीं होगा तुम जहां पर भी होना वहां पर खड़े होकर छोटा सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना एक एक कदम चल के यहाँ तक और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पर होगे। यकीन मानिए हाई एल्टीट्यूड पे इरिटेशन गुस्सा और एक बार जब कोई बात दिमाग में आ जाती है तो जल्दी खत्म नहीं होती, वो वीडियो की तरह चलती है। मेरी उनकी बातें मेरे दिमाग में चल रहा था और शेरपा मुझे इरिटेट कर रहा कि वापस चल। हाई मुझे उसको भी गुस्सा आ रहा जब मैं उसकी बातें नहीं मान रही थी। लास्ट में मैंने बोला क्योंकि लाइफ के फैसले कभी कभी आपको सिर्फ खुद लेने होते, कोई और आसपास पेरेंट्स या टीचर्स कोई और नहीं होते हैं। अब आपको कौन सा अच्छा या बुरा क्या चुनना है वो आप पे डिसाइड करता, उस समय आपको चुनना होता। उस समय मैं भी शायद दूसरी सिचुएशंस में थी। लास्ट में मैंने शेरपा को बोला कि ठीक है तू जाना चाहता तो जा, नहीं जाना चाहता मत जा, मेरे पास इतना ऑक्सीजन अभी है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगा पाऊं, रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। इतना बोलकर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था जो एक्चुअली मेरा ऑक्सीजन ब्लिंक करने लगता है करीब 2 घंटे पहले, तो इसलिए शेरपा ने मुझे बोला कि अरुणिमा तेरा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। मैं आगे बढ़ गई, लोगों के फुटप्रिंट्स बने हुए थे, मैंने उस फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और आगे बढ़ गई थी। और सुबह के 10:50 सर ने बताया कि छोटी छोटी चीजों के लिए आप गाड़ी निकालते, स्कूटी निकालते हैं, फिर फोर व्हीलर निकालते और निकाल करके बाहर जाते और फिर उतनी वॉक नहीं कर सकते उसके लिए, और हम गाड़ी निकाल करके छोटे छोटे सामान लेने के लिए। तो अभी हमने फिलहाल हमने किया है ये चीजें, साइकिल ली है और साइकिल चला रहे हैं हम। जब भी कुछ भी छोटा मोटा काम रहता आस पास भी कहीं जाना भी होता है तो साइकिल से ही जा रहे हैं। अब ये तो हमारा सरकार कर रहा, हमारी सरकार कर रही है, कंपनियां इसमें कर रही है अपना अपना योगदान दे रही है। बच्चों अब आपकी बारी है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करेंगे। अब स्कूल जाते होंगे निश्चित तौर पर सभी, और गाड़ी से कुछ लोग जाते होंगे, सारे बच्चे एक साथ जाते होंगे। आज के बाद इस हॉल में सिर्फ इतना प्रॉमिस करके खुद से जाइए कि जब ड्राइवर अंकल गाड़ी चला रहे हो और रेड लाइट पे गाड़ी ना बंद करें तो आप जरूर बोलिए कि ड्राइवर अंकल रेड लाइट पे गाड़ी बंद करिए, तेल कंज्यूम होना जैसा कि सर ने बताया है। तो आप लोग करेंगे, ड्राइवर अंकल को जरूर बोलेंगे ना कि ड्राइवर अंकल यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक है तो बंद कर दीजिए उतनी देर। तो इतना तो आप लोग करेंगे, आपका इतना योगदान अभी बहुत है। ठीक है अभी तो है, सर ने जैसा बताया कि अपने जब भी कहीं पर भी कभी भी आप